तो दोस्तों PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वन मूवी का ट्रेलर आ चुका है। वैसे जब इस फिल्म का टीज़र आया था तो उसके रिव्यू में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या कहानी होने वाली है और जो भी एक्टर्स हैं उनका क्या कैरेक्टर होने वाला है। तो उसके लिए आप चाहें तो वो वाला वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हैं, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं ये जो ट्रेलर आया है उसके बारे में। 3 मिनट के लगभग का ट्रेलर है। ट्रेलर में एक तरीके से हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। अब इतनी बड़ी कहानी है जो कि 2 पार्ट्स में बन रही है तो एक ट्रेलर में सब कुछ ही नहीं दिखा सकते। तो ओवरऑल ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है, जो भी विजुअल्स हैं काफ़ी भव्य लग रहे हैं देखने में। खासकर ट्रेलर में जो सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड कुछ एक बैटल सीन भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि ठीक लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक फील आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट आना चाहिए ट्रेलर को देखकर, वैसा कुछ फील नहीं आ रहा है। वो कुछ मिसिंग सा लग रहा है। और एक जो चीज़ मेरे को ट्रेलर में पसंद नहीं आ रही है वो इसकी हिंदी डबिंग। मेरे को इसकी हिंदी डबिंग इतनी खास नहीं लग रही है फिलहाल। तो हो सकता है कि ये केवल ट्रेलर के लिए ही हिंदी में अभी डब किया गया हो, बाकी इसकी डबिंग प्रोसेस अभी चल रही हो तो हो सकता है और बेहतर हो जाए। और इसके अलावा फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है जो कि एकदम ही हाँ ओपी वाला मूवमेंट दे दे, या कोई ऐसा सीन अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है जो ओपी वाला मूवमेंट दे दे। और जहाँ तक है ये फिल्म VFX वगैरह पे इतने निर्भर नहीं रहने वाली है, और बैटल सीन वगैरह जो भी हैं युद्ध इतने ज़्यादा इस फिल्म में शायद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिल्म फोकस करेगी अपनी कहानी के ऊपर। एक तरीके से फर्स्ट पार्ट में हमें पूरा ये वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को ही मिलेगा। चोल साम्राज्य की हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है, काफ़ी लंबा उनका शासन रहा है। और जहाँ तक है जैसा कि ट्रेलर देखकर नज़र आ रहा है कि इसमें हमें जो है वो उस समय की पॉलिटिक्स ही देखने को मिलेगी। खासकर चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के लिए जो उठा पटक है वही हमें इसमें देखने को मिलेगी, वैसा ट्रेलर में नज़र भी आ रहा है। तो जहाँ तक इस पूरी फिल्म में हमें ड्रामा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तो ओवरऑल कहूँ तो ट्रेलर ठीक ही है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाला भी फील नहीं दिया है। हो सकता है फिल्म जब रिलीज हो तो कुछ हमें सरप्राइज कर जाए फिल्म। एंड इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे तो अच्छा लग रहा है। जो शुरुआत में ट्रेलर में जो एक बीट बजती है ना, जब चियान विक्रम का किरदार इंट्रोड्यूस होता है घोड़े पे आता हुआ, उस समय जो बीट बजती है वो मेरे को अच्छी लग रही है। तो दोस्तों ये था PS1 के ट्रेलर का रिव्यू। अगर तुम देख चुके हो तो तुम अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना, और तुम्हें क्या उम्मीदें इस फिल्म से वो भी जरूर बताना। तो चलिए फिर यहीं पर रैपअप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं विवेक और तुम देख रहे हो सुने मैंने रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।